दुनिया का वो सीरियल किलर जिसे गुनाह सुनकर इंसानों की रूह कांप जाए, वो किलर जिसे जज ने सुनाई 19 बार मौत की सजा। कौन है वो सीरियल किलर, जानिए हमारे साथ। दुनिया में सीरियल किलर बहुत हुए हैं, मगर कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी करतूतें और गुनाहों को सुन लो तो रूह कांप जाती है। दुनिया के वे दरिंदे जिनके गुनाहों को अगर कोई शैतान सुन ले तो वो भी एक बार को घबरा जाए। लेकिन ऐसा ही एक शैतान है जिसका नाम है रिचर्ड रेमिरेस, जो रहता है अमेरिका में। दुनिया उसे नाइट स्टॉकर यानी रात का शिकारी कहती है। उस व्यक्ति पर 13 हत्या, 11 बलात्कार, 5 हत्या की कोशिश और कई डकैती के मामले दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चौंका देने वाला आंकड़ा केवल आधिकारिक है, यानी कागजों में दर्ज मामलों में लिस्ट लंबी चौड़ी है। इस व्यक्ति के गुनाह इतने ज्यादा और खूंखार हैं कि कोर्ट में जज ने भी सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली थी। नमस्कार, मैं रुचि पांडे दुनिया दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रिचर्ड नाम के शख्स को उसके गुनाहों के लिए एक बार नहीं बल्कि 19 बार मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी साल जनवरी में नेटफ्लिक्स पर नाइट स्टॉकर सर्चिंग फॉर अ सीरियल किलर के नाम से एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी। ये सीरीज हूबहू इसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर फिल्माई गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1984 से लेकर 1985 तक इस खूंखार अपराधी ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए शैतान की सभी हरकतें की थी। 1985 में खौफ का सिलसिला 17 मार्च को ही शुरू हो गया था, जब उसने 2 महिलाओं को मार दिया था। रिचर्ड रेमिरेस को हत्या करने से पहले मारने वाले की आंखों में अपना डर पैदा करना बहुत अच्छा लगता था। एक महिला को तो उसने मारने से पहले खिड़की से खींचकर बाहर निकाल लिया था। मैक्सिन जजारा नाम की एक महिला की तो उसने आंखें ही निकाल कर अपने साथ ले गया। एक बुजुर्ग दंपत्ति की उसने हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वो शख्स लाशों के पास खाना खाकर ही अपने आप को संतुष्टि देता था, क्योंकि उसे लाशों के आसपास रहना ही अच्छा लगता था। रिचर्ड रेमिरेज हर हत्या के बाद लाश पर एक खास तरह का निशान छोड़ जाया करता था। बताया जाता है कि उस निशान का मतलब शैतान जिंदाबाद होता है। वे अक्सर दीवार पर या फिर लाश पर वो निशान छोड़ जाया करता था और मरने से पहले वे लोगों से शैतान जिंदाबाद के नारे लगवाता था। रिचर्ड हत्या करने से पहले सभी तरह के औजारों का इस्तेमाल करता था, जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, हथौड़ा, तलवार, फावड़ा। वे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शता था, उसकी बड़ी ही बेरहमी से वे हत्या कर देता था। लेकिन वो कहावत है ना कि हर बुराई का अंत निश्चित होता है, बस ऐसा ही कुछ इन महाशय के साथ भी हुआ। अगस्त 1985 में रेमिरेस कैलिफोर्निया स्थित एक घर में अचानक घुस गया। वो घर बिलकॉन्स नाम के व्यक्ति का था, जिसे उसने 3 गोलियां मारी। इसके बाद उसके मंगेतर इनेज एरिक्सन नाम की एक महिला के साथ उसने रेप किया और लूटपाट करने के बाद उसने शैतान जिंदाबाद बुलवाया और कहा कि कोई पूछे तो कह देना मैं नाइट स्टॉकर हूँ। इस हत्यारे ने पूरे कैलिफोर्निया में आतंक मचा रखा था, मगर वह पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस को घटनास्थल से एक जूते के निशान मिले। ये खास तरह के ब्रांड का जूता लोगों की खास पसंद था। हत्यारा 11.5 नंबर का जूता पहनता था। ऐसे 5 जोड़ी जूते एरिजोना में बेचे गए और 1 लॉस एंजलिस में। इससे उसकी पहचान हो सकी। 20 नवंबर 1989 को उस पर मुकदमा चला, जिसमें जज ने कहा कि रिचर्ड के द्वारा किया गया अपराध मानवीय समझ से परे है, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई और 2013 में उसकी कैंसर से मौत हुई। ये तो थी आज की मुख्य खबर। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगुफुली की 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि जॉन की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर 17 फरवरी के बाद से ही वे राष्ट्रपति किसी भी समारोह में नहीं देखे गए थे। दूसरी सुर्खी, अमेरिका और तालिबान के बीच जारी लड़ाई में अमेरिकी सैनिकों की वापसी मुश्किल लग रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सैनिकों की वापसी मुश्किल जरूर है, पर इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तीसरी सुर्खी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के वॉशिंगटन में मौजूद सरकारी आवास के बाहर एक हथियारबंद व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
दरअसल आरोपी पर हथियार रखने से संबंधित मामला भी दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर जुड़ूंगी आपके साथ विस्तृत खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।